तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें, फटाफट एक एक कर विस्तार से आपको बताएंगे। तो सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि स्वीडन की पुलिस ने मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ जलाने की दी मंजूरी। तो भड़के मुस्लिम देशों ने स्वीडन को अंजाम भुगतने की दी चेतावनी, मुस्लिम देश कर सकते हैं स्वीडन पर हमला। वहीं दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि कांग्रेस के कार्यालय में राहुल गांधी ने बकरे की कुर्बानी कराने का किया ऐलान, तो भड़के हिंदूवादी संगठनों ने राहुल गांधी के खिलाफ खोला मोर्चा। वहीं आपको अगली खबर में बताएंगे दोस्तों कि अतीक अश्रफ की हत्या से समाजवादी पार्टी को लगा झटका, कई मुस्लिम नेताओं ने प्रयागराज में थामा कांग्रेस का हाथ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि यूपी के सहारनपुर में हिंदुओं के विरोध के बाद प्रशासन ने कुर्बानी करने पर लगाई रोक, तो मुसलमान हुए आहत, कहा उत्तर प्रदेश में त्योहार तक नहीं मनाने दिया जा रहा है। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोका, सुरक्षा कारणों का दिया हवाला, तो कांग्रेस हुई नाराज। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि बकरा ईद के दौरान बाघा बॉर्डर पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान की सेना ने मनाई ईद, पूरी दुनिया हुई हैरान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि महाराष्ट्र की हाउसिंग सोसाइटी में हाईकोर्ट ने कुर्बानी करने पर लगाई रोक, मुस्लिम बकरा लेकर गया था कुर्बानी करने। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो स्वीडन की पुलिस ने मस्जिद के बाहर कुरान शरीफ जलाने की दी मंजूरी। तो भड़के मुस्लिम देशों ने स्वीडन को अंजाम भुगतने की दी चेतावनी, बढ़ सकती है स्वीडन की मुश्किलें। दोस्तों आपको बता दें कि मुसलमानों के त्यौहार बकरा ईद के दौरान स्वीडन की पुलिस ने मस्जिद के बाहर स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने की मंजूरी दे दी है, जिसको लेकर मुस्लिम देश नाराज हो गए और मुस्लिम देशों में काफी गुस्सा है। मुस्लिम देशों ने इस मामले को लेकर स्वीडन को अंजाम भुगतने की चेतावनी दे दी है, जिसको लेकर स्वीडन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि स्वीडन की एक अदालत ने कुरान जलाने के पुलिस के प्रतिबंध के आदेश को खारिज कर दिया, जिसके बाद पुलिस की तरफ से स्वीडन में कुरान शरीफ जलाने पर बैन हटा दिया गया है। दरअसल आपको बता दें कि इस साल जनवरी महीने में स्वीडन में स्थित तुर्की के दूतावास के बाहर कुछ लोगों ने कुरान को जलाने का काम किया था, जिसके बाद स्वीडन समेत दुनिया के कई देशों में प्रदर्शन किए गए थे। वहीं कई इस्लामिक देशों ने स्वीडन के सामान की खरीदारी पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। इसी बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि स्वीडन के लोगों ने अब फिर से कुरान शरीफ जलाने की मांग की थी और ये मामला कोर्ट पहुंचा था, तो कोर्ट ने अब अंग्रेजों को कुरान शरीफ जलाने की अनुमति स्वीडन में दे दी है, जिसको लेकर मुस्लिम देश नाराज हो गए। आपकी क्या राय दोस्तों हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो कांग्रेस के कार्यालय में बकरे की राहुल गांधी करवाएंगे कुर्बानी, ओवैसी ने की मांग। जो दोस्तों आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMM ने बकरा ईद के मौके पर राजधानी भोपाल में स्थित कांग्रेस पार्टी के कार्यालय में बकरे की कुर्बानी और नमाज अदा करने की अनुमति देने की राहुल गांधी से मांग की है। इस संबंध में AIMM ने बुधवार को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व देश के प्रधानमंत्री के बेटे राहुल गांधी को एक पत्र भी लिखा है। इसमें उनके द्वारा कहा गया है कि प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में हनुमान चालीसा पढ़ा जा सकता है, नमाज क्यों नहीं पढ़ी जा सकती है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश में ईद का त्यौहार मनाया जा रहा है, राहुल गांधी कांग्रेस के कार्यालय में बकरे की कुर्बानी की अनुमति मुसलमानों को दें, कांग्रेस के कार्यालय में बकरे की कुर्बानी कराई जाएगी और यहाँ पर नमाज पढ़ने की भी राहुल गांधी अनुमति दें। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर। तो अतीक अशरफ की हत्या से सपा को लगा झटका, कई मुस्लिम नेताओं ने थामा कांग्रेस का हाथ। जब दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी को बड़ा झटका लगा है। प्रयागराज में सपा के कई बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी छोड़ दी है, ये सभी नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए हैं। पार्टी छोड़ने के बाद इन नेताओं ने अखिलेश यादव पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इन नेताओं का कहना है कि मुसलमानों से जुड़े मामले में अखिलेश यादव खामोश रहते हैं, अतीक अहमद की हत्या के बाद भी अखिलेश यादव खामोश ही रहे। इन नेताओं का दावा है कि अभी कई और नेता सपा का हाथ छोड़ने वाले हैं। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर। तो मुंबई की हाउस सोसाइटी में कुर्बानी करने पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक, आदेश किया जारी। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में बकरा ईद का त्यौहार धूमधाम से इस समय मनाया जा रहा है, इससे पहले बुधवार को मुंबई हाईकोर्ट में बकरे की कुर्बानी से जुड़ा एक मामला पहुंचा, जिस पर कोर्ट ने साउथ मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में बकरे की कुर्बानी करने पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने कहा कि BMC सुनिश्चित करे कि इस त्यौहार पर बकरे या किसी बड़े जानवर की
की कुर्बानी हाउस सोसाइटी में की जानी चाहिए या नहीं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा कि हाउस सोसाइटी में अगर लोग हिंदू लोग जो है अनुमति देते हैं बकरे की कुर्बानी की, तब मुसलमानों को बकरे की कुर्बानी करने दी जाए, अन्यथा बकरे की कुर्बानी नहीं करने दी जाए। क्योंकि मुंबई की हाउसिंग सोसाइटी में जब एक मुस्लिम व्यक्ति बकरा लेकर आया और उसने कुर्बानी करने की मांग की तो हिंदू संगठनों ने और हिंदूवादी लोगों ने इसका विरोध किया और मुंबई हाई कोर्ट पहुंचे तो मुंबई हाई कोर्ट ने भी बकरे की कुर्बानी करने पर इस सोसाइटी में रोक लगा दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत पाकिस्तान की सेना ने बाघा बॉर्डर पर मनाई ईद। जब दोस्तों आपको बता दें कि पूरे देश में ईद का त्यौहार गुरुवार को मनाया गया। इस बीच भारत पाकिस्तान के बॉर्डर पर खास नज़ारा देखने को मिला जिससे पूरी दुनिया हैरान हो गई। दरअसल आपको बता दें कि BSF के जवानों ने गेट खोला और पाकिस्तान के अपने समकक्षों से मुलाकात की। इस दौरान BSF की ओर से पाकिस्तान जवानों को फल और मिठाई दी गई। वहीं दूसरी ओर पाकिस्तान के जवानों ने भी भारतीय जवानों को मिठाई भेंट की। इस तरह दोनों देशों की सीमाओं पर स्थिति, अनेक विशेष चौकियों पर भी मिठाइयों का आदान प्रदान हुआ। आपको बता दें कि भारत से अलग होने के बाद से पाकिस्तान के मंसूबे खराब रहे हैं। उसकी ओर से लगातार घुसपैठ करके भारत पर हमले किए जाते हैं और भारत पर कई बार हमले भी किए गए, लेकिन बकरा ईद के त्यौहार पर दोनों देश की सेनाओं ने धूमधाम से बकरा ईद का त्यौहार मनाया और पूरी दुनिया में इसका वीडियो भी वायरल हुआ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोका, सुरक्षा कारणों का हवाला देकर कांग्रेस को भगाया। जदो साहब को बता दें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी हिंसा प्रभावित मणिपुर की अपनी 2 दिवसीय यात्रा पर हैं। राज्य की राजधानी इंफाल से चुनचुरा जा रहे राहुल गांधी के काफिले को मणिपुर पुलिस ने रोक दिया। इंफाल से करीब 20 किलोमीटर दूर बिस्टापुर में राहुल गांधी के काफिले को रोका गया। फिलहाल राहुल गांधी बिस्टापुर से इंफाल लौट आए हैं। बताया जा रहा है कि वे चुरा चांदपुर जा रहे थे, जहां जातीय हिंसा के कुछ सबसे बुरे मामले सामने आए थे, जिससे कई हफ्ते से राज्य की हिलाकर हिंसा को रख दिया गया है। लेकिन आपको बता दें कि राहुल गांधी का काफिला वहां तक पहुंचने पुलिस ने नहीं दिया और पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला दिया। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है, इससे कांग्रेस पार्टी नाराज हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो यूपी के सहारनपुर में हिंदुओं के विरोध के बाद मुसलमानों की कुर्बानी करने से रोका गया। जदोसा आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में कुर्बानी को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। दरअसल आपको बता दें कि सहारनपुर के मांझीपुर में मुसलमानों द्वारा कुर्बानी की जा रही थी, लेकिन आपको बता दें कि हिंदूवादी संगठनों ने सहारनपुर के मांझीपुर में कुर्बानी करने का विरोध किया, जिसके बाद प्रशासन ने पहुंचकर यहां पर कुर्बानी करने पर रोक लगा दी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि यूपी में कई जगह ऐसी हैं जहां पर कुर्बानी नहीं हो सकी, क्योंकि जहां पर कुर्बानी की तो वहां पर हिंदूवादी ने विरोध किया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली के औरंगजेब लेन का नाम मोदी सरकार ने बदलकर APJ अब्दुल कलाम कर दिया। जदोसा आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी स्थित लुटियंस दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलकर अब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लेन कर दिया गया है। मिली जानकारी के मुताबिक नई दिल्ली नगर पालिका परिषद में एक बैठक हुई थी और इस सड़क का नाम चेंज करने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। गौरतलब है कि पहले रोड का नाम बदला गया था, लेकिन अब लेन का नाम भी बदल दिया गया है। दिल्ली नगर पालिका परिषद के मुताबिक लोगों की भावनाओं का सम्मान रखते हुए ये फैसला लिया गया है। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद ने लुटियन से दिल्ली में औरंगजेब लेन का नाम बदलने का फैसला लिया है। NDMC ने सदस्यों की बैठक में लेन का नाम बदलने को मंजूरी दी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद पर हुआ जानलेवा हमला, तो चंद्रशेखर ने योगी का मांगा इस्तीफा। जदो साहब को बता दें कि भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद के ऊपर बुधवार की रात को गोलियों से हमला हुआ था, जानलेवा हमला हुआ था। इस हमले में हमलावरों ने गोलियां चलाई जिसमें वो घायल हो गए। भीम आर्मी के नेता और आजाद समाज पार्टी और काशीराम प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सहारनपुर में अपने ऊपर हुए हमले को लेकर प्रदेश सरकार को जिम्मेदार ठहराया है। इस घटना के एक दिन बाद चंद्रशेखर आजाद ने हमलावरों को सरकार की विफलता और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने आरोप लगाया है कि यह हमला पूर्व नियोजन था। ये घटना उत्तर प्रदेश की कानूनी व्यवस्था की स्थिति को दर्शाती है। इसके साथ ही चंद्रशेखर ने कहा है कि बिना सत्ता के संरक्षण के ये नहीं हो सकता। मेरे ऊपर जो हमला हुआ है उसमें उत्तर प्रदेश योगी सरकार की घोर लापरवाही है। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी पर इसका आरोप लगाया है और इस्तीफे की मांग की है। जरिए से जुडिशरी में कर दिए, अब जुडिशरी फैसला करेगी, तो इसलिए
वो इस तरकीब से अपने आप को बचाए रखना चाहते हैं और उनको छोड़ना भी नहीं चाहते। समाजवादी पार्टी को उम्मीद है कि चुनाव से पहले आजम खान साहब जेल से बाहर आ जाएंगे। हम तो ये उम्मीद करते हैं क्या, और हमारी कोशिश भी यही है कि वो जेल से भी क्या अभी बाहर आ जाए।